2016 में रश्मिका की पहली कन्नड़ फिल्म आई। इस फिल्म का नाम था किरीट पार्टी। इस फिल्म में रश्मिका के साथ रक्षित शेट्टी थे। इस फिल्म का बजट 4 करोड़ था, लेकिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इसके बाद बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। 2017 में रश्मिका की एक और कन्नड़ फिल्म आई। इस फिल्म का नाम था अंजनी पुत्र। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना के साथ पुनीत राजकुमार थे। इस फिल्म का बजट लगभग 13 करोड़ था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 45 करोड़ का बिजनेस किया। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म सुपरहिट रही। 2017 में रश्मिका की एक और कन्नड़ फिल्म आई। इस फिल्म का नाम था चमक। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना के साथ गणेश थे। इस फिल्म का बजट लगभग 5 करोड़ था, लेकिन इस फिल्म ने 29 करोड़ का बिजनेस किया और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म सुपरहिट रही। 2018 में रश्मिका की एक तेलुगु फिल्म आई। ये फिल्म थी चलो। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना के साथ नागा शौर्य थे। इस फिल्म का बजट लगभग 3 करोड़ था, लेकिन इस फिल्म ने 24 करोड़ का बिजनेस किया। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म भी सुपरहिट रही। 2018 में रश्मिका एक बार फिर तेलुगु फिल्म में नजर आई। ये फिल्म थी गीता गोविंदम। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना के साथ विजय देवराकोंडा थे। इस फिल्म का बजट लगभग 5 करोड़ था, लेकिन इस मूवी ने 130 करोड़ का बिजनेस किया और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। 2018 में रश्मिका की एक और तेलुगु फिल्म आई। इस फिल्म का नाम था दास। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना के साथ नागार्जुन, अखिनेनी और नानी थे। इस फिल्म का बजट लगभग 20 करोड़ था, लेकिन इस फिल्म ने 50 करोड़ का बिजनेस किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। 2019 में रश्मिका की एक कन्नड़ फिल्म आई और ये फिल्म थी यजामाना। और इस फिल्म में रश्मिका के साथ दर्शन थे। इस फिल्म का बजट तो 15 करोड़ था, लेकिन इस फिल्म ने 53 करोड़ का बिजनेस किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसके बाद 2019 में रश्मिका की एक तेलुगु फिल्म आई और इस फिल्म का नाम था डियर कॉमरेड। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना के साथ विजय देवराकोंडा थे और इस फिल्म का बजट 20 करोड़ था, लेकिन इस फिल्म ने 30 करोड़ का बिजनेस किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। 2020 में रश्मिका की एक तेलुगु फिल्म आई और ये फिल्म थी सारी लेरो निकेवारू। इस फिल्म में रश्मिका के साथ महेश बाबू थे और इस फिल्म का बजट लगभग 80 करोड़ था, लेकिन इस फिल्म ने 221 करोड़ का बिजनेस किया और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। 2020 में रश्मिका की एक और तेलुगु फिल्म आई और इस फिल्म का नाम था भीष्मा। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना के साथ नितिन रेड्डी थे। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ था, लेकिन इस फिल्म ने 52 करोड़ का बिजनेस किया। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म सुपरहिट रही। 2021 में रश्मिका की एक कन्नड़ फिल्म आई और इस फिल्म का नाम था पोगारू। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना के साथ ध्रुवा सरजा थे। इस फिल्म का बजट लगभग 25 करोड़ था और इस फिल्म ने 45 करोड़ का बिजनेस किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। 2021 में रश्मिका की एक तमिल फिल्म आई और इस फिल्म का नाम था सुल्तान। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना के साथ कार्ति थे। इस फिल्म का बजट लगभग 35 करोड़ था, लेकिन इस फिल्म ने 30 करोड़ का बिजनेस किया और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म फ्लॉप रही। 2021 में रश्मिका की एक तेलुगु फिल्म आई और इस फिल्म का नाम था पुष्पा द राइज। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना के साथ अल्लू अर्जुन थे और इस फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 365 करोड़ का बिजनेस किया और इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट करार दिया गया। ये फिल्म बहुत सी लैंग्वेज में डब की गई और रश्मिका की आज तक की जो भी मूवीज है वो भी काफी लैंग्वेज में डब है। आप चाहे तो यूट्यूब पर देख सकते हो। और अब बात करें रश्मिका की अपकमिंग मूवीज की, तो रश्मिका की आगे भी कई सारी मूवीज आने वाली है और आने वाले दिनों में वो बॉलीवुड में भी नजर आने वाली है। दोस्तों, आपको रश्मिका की कौन सी मूवीज पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।